अमेठी रायबरेली में कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार, भाजपा की किलेबंदी से बड़ा असमंजस। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर अपने जबरदस्त स्ट्राइक रेट के बावजूद इस बार के चुनाव में कांग्रेस खेमे में असमंजस सा नजर आ रहा है। पिछले चुनाव में अमेठी सीट पर अपने तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी की हार से पार्टी इस बार फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। भाजपा की किलेबंदी देखकर कोई फैसला ले पाना उसके लिए बेहद कठिन हो गया है। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के प्रदर्शन का इतिहास उसका हौसला बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है, लेकिन पार्टी इस बार जोखिम लेने से बचती दिख रही है। लोकसभा चुनाव में अभी तक सिर्फ 3 बार ही किसी गैर कांग्रेस उम्मीदवार को सफलता मिली है। रायबरेली सीट की बात करें तो वहां पहला चुनाव 1952 में हुआ और कांग्रेस के फिरोज गांधी सांसद चुने गए। वे 2 बार सांसद रहे। इसके बाद 3 बार इंदिरा गांधी, 2 बार अरुण नेहरू, 2 बार शीला कौल, 1 बार कैप्टन सतीश शर्मा और 5 बार सोनिया गांधी कांग्रेस से सांसद चुनी गई। केवल वर्ष 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के राज नारायण तथा 1996 व 1998 के चुनाव में भाजपा के अशोक सिंह सांसद चुने गए। इस बार सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने से कांग्रेस को नए उम्मीदवार की तलाश भारी पड़ रही है। कार्यकर्ताओं की मांग मानी गई तो पार्टी प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारेगी। इसी तरह अमेठी में अब तक हुए कुल 16 लोकसभा चुनावों में से 13 में कांग्रेस को विजय मिली है। सिर्फ 1 बार जनता पार्टी, 2 बार भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के आखिरी सांसद राहुल गांधी रहे जो 2 चुनाव जीतने के बाद अपने 3रे में भाजपा की स्मृति ईरानी से पराजित हो गए थे। दरअसल सीट पर कांग्रेस की इचक के पीछे ठोस वजह भी है। क्षेत्र में आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 1 पर भाजपा व 4 पर सपा का कब्जा है, लेकिन इनमें से 1 पाला बदल कर भाजपा के साथ जा चुके हैं। इस तरह विधानसभाओं में भाजपा व सपा का पलड़ा बराबरी पर है, जबकि कांग्रेस के पास कोई विधायक नहीं है। जिले के एक MLC दिनेश प्रताप सिंह प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री भी हैं। हालांकि इस बार सपा के साथ गठबंधन होने से कांग्रेस में आत्मविश्वास जरूर झलक रहा है। अमेठी में तो स्थिति और भी भिन्न है। अमेठी की 5 में से 3 सीटों पर भाजपा व 2 पर सपा के विधायक हैं। इसमें से 1 सपा के विधायक राकेश प्रताप सिंह राज्यसभा चुनाव के दौरान पाला बदल कर भाजपा के साथ जा चुके हैं। अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो तिलोई के विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस अपने स्थानीय नेताओं का विकल्प नहीं खड़ा कर पाई। रायबरेली में आदित्य सिंह और दिनेश प्रताप सिंह के भाजपा में चले जाने के बाद हालात और भी मुश्किल नजर आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।